जो बिल्ली लगता गल सुन मेरी बेबी गे हाँ इतना जल वापस हूँ तू एटी दे न कर waiting for you waiting for you waiting for you कल परसों दी मैं एक नंबरों कौन मोदी है मैं लगता है मेरी सहेली मैं फोन मनाती है This is the way I like to work, baby. Never gonna stop while I'm hard working. I am in the zone where you can't stop it. Hitting in your body, I've been straight for the bin. So move out the way. So welcome back to the channel. आप देख रहे हो प्रभु सिंह की एक और नई वीडियो. So आज हमारे काल लिबास जो कि अपना करमपुरा में है हमारे साथ भाई. भाई नाम बताइए अपना. मेरा नाम है गौरव. गौरव भाई हमारे साथ है. आज हमारी गाड़ी रहने वाली है न्यू 2023 ब्रीजा LXi पंजाब से LXi अंबरसर जीरो. पहले वाली गाड़ी भी शायद बीबी नंबर ही तो थी. हाँ, जिसकी आई वीडियो डाली है. जी बिल्कुल. ये भी बीबी नंबर सेम. ये भी पीवी नंबर. वो भी पीवी नंबर. और इंटीरियर भी सेम. नहीं वो नहीं बताना. नहीं बताना. इंटीरियर अलग है यार इसका. तो पूरा अलग है इसका तो. जी बिल्कुल. तो भाई ये हमारी गाड़ी रहने वाली है एस लाइन. हाँ रेंज रोवर एस लाइन देखेंगे टाइटल अब. रेंज रोवर एस लाइन. एस लाइन या एस लाइन रेंज रोवर जैसे सही बैठेगा यूट्यूब पे वैसे लिख देंगे. चलो वैसा कर देंगे. ठीक है. कोई कॉपी ना कर लेना. एस लाइन ही लिखना है वापसी. हाँ है ना. बस उन्हें बोल दिया ना आज कॉपी ना कर ले. फिर कॉपी कर लेंगे. देखियो कोई नहीं. अब देख रहे हो लिशकारे ऊपर लाइटें लूटे बढ़िया. ऊपर स्मार्ट बॉय बिल्कुल. अरे ऊपर तो बढ़िया लग रही लाइटें. सारा फ्रेम ने बना दिया बढ़िया हो गया अब तो. जी बिल्कुल. तो भाई फ्रंट में बात कर लेते हैं. गाड़ी में फ्रंट में क्या क्या लगाया रेंज रोवर के अंदर. फ्रंट के अंदर सेम LED हेडलाइट 162 वोल्ट लेजर बूस्टर अपनी. okay. जो हर बार ही लगाते हैं हम. ठीक है. इसका थ्रो जो कि सुपर क्लास रहता है. ओके. और रोड पे जैसे अब आप चलाते हो गाड़ी को तो रोड प्रेजेंस जो है वो बहुत हाई क्लास है इसका. जी बिल्कुल. नीचे LED लगाई है फॉग लाइट में. ओके. ये टॉप मॉडल वाली लगाई है. ठीक है. ये लगी है वैसे शोरूम से. कुछ तो कुछ मिलता था ना कि भाई यहाँ से लगवाओ वहाँ से लगवाओ. हाँ हाँ हाँ. तो भैया ने ये एक ऑप्शन था कि यार मैं ये लगवा लेता हूँ शोरूम से. मैंने कहा ठीक है लगवा लो. जी. अदरवाइज सर हमारी वीडियोस देख रहे हैं पिछले 4-5 महीने से. तो आज ये फाइनली दिन आ गया कि वो अपनी वीडियो खुद देखेंगे यूट्यूब पे आज. ओके. सो फ्रंट के अंदर हमने इसकी जो ग्रिल है ये चेंज करी है. ओके. व्हाइट कलर में रहने वाली है. मौसम चेंज हो गया ना थोड़ा सा. मौसम कैसे फर्क आ गया. गला खराब हो गया ना. ग्रिल लगाई इसके ऊपर. ये फ्रंट की ग्रिल गार्निश लगाई. ओके. ब्रेजा की बैजिंग करी. क्या बात है. एकदम सुपर क्लास ओरिजिनल. सेम वही चीज. गड्डी प्रॉपर हिल रही है जिस तरह हिलती है ना. इधर नाल कस्टमर ने देख लिया ना कहेंगे वापसी नया लगा के दो मेरे को. है भी सेम वही प्रोसेस है. जी बिल्कुल. ABS प्रोडक्ट है फिर तुसी खड़े हो सेम कार ले वास्ते ऊपर भाजी. डेड तो हो नहीं सकता. सही बात है. फॉग लाइट के ऊपर लगाया क्रोम. ओके. फ्रंट में डिफ्यूजर लगाया सेम जिसके अंदर ये फ्रंट एक्सटेंडेड हो गया. साथ में नीचे स्किड गार्निश में कोई जरूरत नहीं है. जी. डायरेक्ट ये लगाओ काम खत्म. ओके. फ्रंट में हमने किया सिर्फ इतना ही. ठीक है. और साइड प्रोफाइल में अगर आ जाओ आज 16 इंची की है नियो स्नेक एलॉयज. 17 नहीं है 16 इंची में. जो कल गाड़ी में थे वो 17 थे. अच्छा तभी कहूँ कॉल क्यों नहीं आई टायर के लिए. कॉल क्यों नहीं आई टायर के लिए. हाँ. सो इसके अंदर ये 16 इंची में सेम रिम लगाया. सही लग रहा है 16 में इतना बाहर. हाँ बाहर क्या फ्रंट लाइनिंग के प्रॉपर पूरा अंदर है. बाहर आ रहा है बहुत हल्का सा है बट इतना प्रोफाइल से बाहर नहीं होना चाहिए ना. सही है. बिल्कुल ही बाहर हो जाए.
17 ही लग रहा है वैसे देखा जाए तो। हाँ है ना, लगने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है ये। सही है, स्नेक फिनिश, स्नेक लाइन इसको बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। और साथ में नीचे लगाए फिर साइड में। अच्छा, इसकी नियो की जो प्रोफाइल है वो आपको बता देता हूँ मेन। हाँ, ये जो नियो एलॉयज है ये इंडियन मैन्युफैक्चरर बना रहा है इसको। ओके, एयर आई अप्रूव प्रोडक्ट है, एक्सेट एसिड है, लीक प्रूफ है, एवरेज प्लस होगी, माइनस नहीं होगी इस एलॉयज के अंदर। सिर्फ कंडीशन ये है कि जैसे आप गाड़ी पे पेट्रोल डाल के चला रहे हो ऐसे इसके लिए भी आपको थोड़ी सी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। कोशिश करो हर 5000 किलोमीटर में इसको आप निकलवाओ, इसको रोटेट करा दो टायर्स को और आगे पीछे अल्टी पल्टी करा दो। ओके, कोशिश करो हमेशा इसके अंदर नाइट्रोजन गैस डलवाओ। तो जो टायर आपका चलना है 70,000 वो 1,000-1,00,000 किलोमीटर चलेगा, ये मेरी गारंटी है। कंडीशन सिर्फ यही है कि 5000 किलोमीटर पे अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, वेट सब कराते रहो इसका। उसमें वारंटी क्या मिलने वाली है? लाइफ टाइम स्ट्रक्चर वारंटी होती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, चलते समय ब्रेक होके टूट गया, तो ये क्लेम आपको न्यू कंपनी देगी। ओके, ये इसके प्रोफाइल में है ये सब चीज़ें। ओके, और इसका बॉक्स है नहीं है, पर नहीं तो वो भी आपको दिखा देता मैं अभी जी। सो दूसरा इसके अंदर हमने ये डोर वाइजर क्रोम लाइन लगाए हैं। ओके, इसकी भी जो ये मारुति का जेन्युइन पार्ट है और स्ट्रेंथ जो है इसकी भी ओरिजिनल है, इसको भी पकड़ के मैं गाड़ी हिला सकता हूँ। और रैम दो गाड़ी चटक ही ना जाए। नहीं चटकेगा क्यों, क्योंकि सेम तो अनुभव है, काले बस से काम हुए, काम खराब हो नहीं सकता। बहुत रेयर है कि इस तरह की कोई कंप्लेंट आए, नहीं होएगा। काले बस भी अपग्रेड हो गया थोड़ा सा, काले बस लेवल 2 पे आ गया हूं। काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है। और लेवल 2 हो गया, लेवल 2 बोलते हैं इसको। लेवल 1 तो पहले से ही है ना, वो लेवल 2 हो गया। हाँ, सब मेरे कस्टमर की बदौलत है, जिन्हें प्यार मिल रहा है ब्रीजा करके, हाईलाइटर करके, पुनः इतना भी ऐसी बनावांगे शामी गड्डी ग्रैंड वेंटारा करके, प्रभी दी भी गड्डी थी ऐसी वीडियो बनाई थी। हाँ, विंडो फ्रेम लगा दिया ये जी, विंडो क्रोम गार्निश 6 पीस। ठीक है, साइड में डोर एज गार्ड लगाए। ओके यार, हर बारी ना ऐसा ही होता, कोई इन थैली उतार नहीं आती। सही है ना, वो पीपीओ कर देती है अंदर ऊपर। सट नहीं लगेगी इन जी। ये लगा दिया डोर एज गार्ड। ओके, साथ में नीचे लगाई साइड बीडिंग। ठीक है, इनके सबके प्राइजेज आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये इसके जो प्राइजेज हैं, जो इसके प्राइजेज हैं, इसके प्राइजेज हैं, इसके प्राइजेज हैं, आप गूगल के ऊपर आप टाइप कर सकते हो ब्रीजा एक्सेसरीज PDF। ओके, उसके अंदर सारे के सबके पार्ट नंबर आ जाएंगे प्लस सबकी MRP आ जाएगी। ठीक है, दूसरा सेम रूफ रेल जिसकी स्ट्रेंथ अपने आप में हैवी गजब, एकदम गजब। और 7,500 रुपये की सेम जो शुरू से आज तक का रेट है वही रेट में लगाई हुई है ये। ओके, स्टील स्टेनलेस स्टील नहीं सॉरी एलुमिनियम का पार्ट होता है ये, एलुमिनियम के अंदर तो है ही अच्छा, ये एरोडायनेमिक शेप देता है, उसके लिए भी एक प्लस पॉइंट है इसका। ओके, एलुमिनियम में होती है और ये अपनी जो आप लगाते हो स्क्रू व्रू, कोई लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं, लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें रबर सीलेंट डालते हैं। ओके, और उससे क्या होता है कि ये जो लीकेज का 1% का सिस्टम रहता है निकलने का, वो भी खत्म हो जाता है। Okay, प्लस जो एज पॉइंट है इसके यहाँ पर जी, ये प्रॉपर पूरे सील्ड होते हैं बिल्कुल 0.0 माइक्रोन्स के हिसाब से भी इसमें गैप नहीं होता। ओके, दूसरा इसमें लगाई हमने मिड गार्निश। ठीक है, 4 एग्जॉस्ट रियर बम्पर गार्ड। ओके, नीचे लगाई रिफ्लेक्टर लाइट। ओके, स्कैनिंग वाली कैमरे में हो रही है वैसे देखा जाए तो। कैमरे में क्या हो रही है? स्कैन इंडिकेटर चल रहा है, इंडिकेटर है उसकी वजह से कर रही है ये। ठीक है, सो दूर से एक बार इसकी प्रोफाइल दिखा दो, जो कस्टमर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा समझ आए कि भाई हाँ, ब्रॉड लुक होने के बाद, लगने के बाद ये कैसे ब्रॉड लुक हो जाती है इस गाड़ी की। सो फ्रंट का काम खत्म, फ्रंट प्रोफाइल खत्म हो गई इसकी, साइड प्रोफाइल भी खत्म हो गई, बैक प्रोफाइल खत्म। ओके, काम हुआ सेम आपको पता है कार लिबास में। ओके, दूसरा अब स्टार्ट करेंगे हम इंटीरियर। एक मिनट रुक जाओ, बताओ क्या बताना है। चलो बड़ा हर बारी का तरह ऑल टाइम फेवरेट अपना पर्सन ग्रीन विद आइस रे। ओके, ठीक है, मज़ा आ गया? मज़ेदार। स्टार्ट करो फिर, एक मिनट में थोड़ा और करीब आ जाओ, करीब आ जाओ जी। पावर विंडो की प्लेट के साथ सिमेट्री बनाई गई, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। आज ग्रैब हैंडल नहीं किए, ठीक है, कुछ बजट का भी इशू था और इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं लगे सर को। सही है, सिंपल सोबर। हाँ हाँ, तो ओरिजिनल अच्छा लगता है, ये बेस्ट है ये। तो इसके अंदर जो हमने ये लगाए कार्बन फिनिश किया, जो ओरिजिनल पार्ट होते हैं ब्लैक होते हैं, उसको ग्रे कलर का पैटर्न होता है, ग्रे को उतार के सेम ही लगाना पड़ता है जी। अंदर के कैच कवर ब्लैक की सिमेट्री है, सेम अंदर के जो ब्लैक के कैच कवर है उसको भी हमने सेम कर दिया। ओके, और जी। दूसरा इसके बाद
जो ट्यूटर की सैश है वो भी भाई उसको भी हमने आज कर दिया सेम कार्बन फिनिश में। क्या बात है, कार्बन यहाँ भी कर दिया, कार्बन यहाँ भी कर दिया। रिमोट के कवर सेम कर दिए कार्बन फिनिश में, और स्पाइडरमैन लगा हुआ था पहले से कंपनी से। हाँ जी, और पर्शियन ग्रीन का यहाँ पे हमने पर्शियन ग्रीन का डोर लेदर कर दिया, ये फिनिश कर दी पूरी, और जहाँ हाथ रखते हैं वहाँ पर भी ये प्रोसेस पूरा दे दिया इसका। क्या बात है, ये थोड़ा देख रहे थोड़ा करीब से होगा, कुछ नोटिस करो क्या लाइट एम्बियन लाइट। हाँ एम्बियन लाइट लगाई इसमें K4 छः पीस वाली। हाँ जी, ये भी अपने आप में सुपर क्लास एकदम बेस्ट। करीब से देख लो भाई, कोई भी गैप नहीं रहने वाला, कोई भी पार्ट उतरा नहीं हुआ। हाँ फिट फिनिश एकदम सुपर क्लास एकदम बेस्ट है, सारे वर्किंग है, बटन हर एक चीज़ प्रॉपर चल रही है इसकी जी। हर कोई भाई जूम करके नहीं दिखाता, लो जूम करके देख लो। हाँ कोई पेंट नहीं फट रहा, अगर आपको दिख रहा होगा पेंट किया हुआ, पेंट नहीं किया हुआ, हाइड्रो डिप किया हुआ है, कहीं से कोई क्रैकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर जी। बिल्कुल ट्यूटर की सैश की फिनिश एकदम बेस्ट एकदम सुपर क्लास। ओके सामने के जो ऊपर की जाली वेंट्स होते हैं इसको भी हाइड्रो डिप में कन्वर्ट कर दिया जी। नीचे का जो ये बीच वाला पैटर्न है इसको कार्बन ब्लैक किया हुआ है जी। नेक्स्ट जो ये आपको ये जो आउटर रिंग है इसका ये हमने वाइट कार्बन में किया हुआ है। ओके पियानो ब्लैक किया है ऊपर। अच्छा, नीचे कुछ नहीं किया इसमें? नहीं आज इसमें कुछ नहीं किया हुआ। ओके बट सिंपल आज के तक की जितनी गाड़ियां थी हमने ऐसी बनाई आज तक जी जी जी। मीटर पैनल ग्लॉस ब्लैक की है, थोड़ी सी लुक्स एनहांस होती है और लुक्स वाइज स्मार्ट लगता है ये, जैसे लाइट ऑन करोगे इसकी शेडो पड़ती है मीटर के ऊपर, ये रात में पता लगेगा जब ड्राइव करोगे ना गाड़ी। हाँ तो सुपर फिनिश लगती है इसकी अच्छी। ये उतारा हुआ अभी ना स्टीयरिंग की रोटेशन के लिए चेक करते हैं इसको। अच्छा दिखाने दिखा दो वाइट सॉकेट, वैसे मैंने लॉक किया हुआ पीछे से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं गाड़ी एक और आई है ना, इशारा ना करो यार। ओके सॉरी, ओके सॉरी, गलत हुंदी है। स्टीयरिंग के ऊपर तो ये वाला पार्ट है पैनो ब्लैक किया हुआ है जी। स्टीयरिंग के ऊपर ये लेदर रैप कर दिया। ओके स्टीयरिंग के अंदर ब्लूटूथ के बटन नहीं है। एक मिनट ठीक है, ये हमने इनको कॉम्प्लीमेंट्री दिया पूरे पैकेज के अंदर। स्टीयरिंग प्लस स्टीयरिंग के कंट्रोल फ्री और हब फ्री। अच्छा ठीक है, कोई पैसा नहीं लिया भैया से मैंने, ये फ्री वाली चीजें ज्यादा अच्छी होती है देखा जाए तो। आओ उधर से आओ, बाकी इंटीरियर दिखाना एक बारी। फ्रॉन्स की खड़ी है भाई, सेम काम जैसे उधर करा वैसे इधर करा हुआ, वाइट कार्बन की यहाँ पे फिनिश देख दी और पर्शियन ग्रीन का यहाँ पे लेदर लगा दिया। डैशबोर्ड की किट प्रॉपर कर दी। ओके ये पूरा यहाँ से सिमेट्री चेक कर सकते हो आप, बताइए ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ ये यहाँ गया, ये यहाँ पर आया, ये वहाँ से रिंग बना, ये नीचे आके स्टॉप हो गया जी। सो इसकी भी प्रॉपर सिमेट्री बनाई गई है, सिमेट्री के हिसाब से प्रॉपर पूरा काम किया इसका। ओके फोन बड़े बज रहे हैं यार, यार कस्टमर का कॉल आ रही है, स्टार्ट हो गई है ना, अब कल से अब काम है, आज से काम है, इनफैक्ट अभी पाँच गाड़ियाँ उसकी बोल रहे ने दे खड़ी हुई बाहर। हाँ तो एक फ्रॉन्स एक येरी गाड़ी फ्रॉन्स ये है, ये ब्रिजर ही वो रही फ्रॉन्स वो बगल में खड़ी हुई। आओ तो देख दिखा दो, आधी दिखा दो ना यहाँ से, दिखा दी थी आधी, पूरी मत दिखाओ, ये साइड में टेल लाइट दिखा दो, दिखा दी ये फ्रॉन्स खड़ी है, अभी ब्रिजर भी दिखाता हूँ और एक विटारा खड़ी वो दिखा देता हूँ बस बस। तो गाड़ी तो है यार पहले ना आती कि ऑलरेडी गाड़ियाँ बुकिंग पे थी सारी है। सिस्टम को फ्रेम किया पैनो ब्लैक। ओके एप्पल कारप्ले वायरलेस वाला इसमें एंड्रॉइड लगा दिया यार। हाँ वो कई बंदे कहते जैसे VXI मॉडल लिया हमने, हाँ उसके अंदर 7 इंची की अपनी वो लगानी हो पाइनियर तो लग जाएगी या फ्रेम चेंज होता है उसके लिए ब्रिजा में? हाँ 7 इंची का पाइनियर डायरेक्ट लगेगा, डायरेक्ट लगता है। हाँ कोई फ्रेम चेंज नहीं करना ठीक है, वो वाली फ्रॉन्क्स में पाइनियर लग रहा है 4450 BT। ओके 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 चलो ठीक है। सो सिस्टम को फ्रेम पियानो ब्लैक कर दिया। ओके मोटर का सिस्टम लगा दिया, 2GB RAM 32GB स्टोरेज वाला ठीक है। टी लिंक के थ्रू इसमें एप्पल कारप्ले वायरलेस चलेगा। ओके आप प्रेस करोगे इसको ऑन करोगे जी ऑटो कनेक्ट हो जाएगा ये। हाँ जी हाँ जी, ये यहाँ से ऑटो कनेक्टेड है ब्लूटूथ इसका जी। आज क्या वो गाड़ी बड़ी जल्दी बंद कर दी यार, और एसी नहीं चलाना इतनी गर्मी ठंड च। एप्पल कारप्ले वायरलेस हो गया ये। ओके अच्छा पहले कनेक्ट किया हुआ है? हाँ पहले कनेक्ट करके रखा हुआ था बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सिस्टम की भी मैं सोच रहा था पहले वो दिखा दूंगा आपको मैं। जी 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 बिल्कुल, इन्होंने करता फिर ही बजी आ रहा है, दूसरा फोन है ये। अच्छा अच्छा सारे आज काम कर रहे हैं।
सब कुछ एकदम अलग अलग क्रिस्टल के लिए सुनाई दे रहा है सब कुछ। मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ एकदम साक्षात सुनाई दे रहा है, परफेक्ट एकदम। जल्दी आएगा जल्दी। सो इसमें सेम हमने डैम्पिंग करी हुई है और आगे फोर डोर्स अंदर और बाहर दोनों तरफ। ओके। और मोटर देखा क्या लगा दिया इसमें ऐसा है? क्या लगाया इसके अंदर? इसमें आज हमने लगाए डीडी के कंपोनेंट्स और डीडी के स्पीकर्स। तभी कहूं अपना वाला टेस्ट क्यों आ रहा है ना, फील अच्छी थी इसकी आज। डीडी ए कौन है भोला, रोज फोन करी आ रहा है। भोला फोन करता है मैनू, मैं भोला है गाइस साडा एक। सो इसके अंदर एंबिएंट लाइट लगाई, लाइट लगाई है हमने K4 6 पीस का सेट है इसके अंदर। ओके, ये K4 वाली है, रनिंग वाली है ना ये? हां रनिंग वाली, इसलिए K4 है। ओके, नीचे यूएसबी का सॉकेट इसमें और अंदर लगाया। ओए ए की आ रहा है, रिंकल रिंकल नहीं है, बबल है। के बाद यूएसबी का सॉकेट आज नहीं था, वो जैसे पहले है वो अभी भी नहीं लगाया। आमरेस का लेदर राइट, ऊपर कवर कर दिया इसको जी, और एकदम अपना काम बेस्ट। सनग्लास होल्डर भी है यार इसमें तो भी। हाँ पीछे 00 फिटिंग है इसकी, एक बार ये थोड़ी सी दिखाओ। कई व्यूअर्स का फोन आ रहा है, ठंड लग रही है। कई व्यूअर्स का फोन भी आ रहा है मेरे पास कि इसको हम घर पे इंस्टॉल करा सकते हैं अपने एड्रेस पे। नहीं होएगा तो ये कटिंग वटिंग वाला काम है बहुत, मतलब पता लगे ज्यादा काट दिया यहाँ से, छत ही खत्म हो गई। छत खत्म हो गई, छत लगाओ फिर 5500 रुपए की छत है। लग रहा है दो दो सनग्लास होल्डर लग रहे हैं ऊपर। सो ये प्रॉपर पूरा लग गया इसके अंदर जी, और एकदम काम हो गया, सुपर क्लास एकदम बेस्ट। जूम करके देख लो यार, रियर के हेडरेस्ट लगाए हैं बिल्कुल भी, कहीं से भी गैप नहीं है। होता ना यहाँ पैन वैन के निशान, कुछ भी नहीं आ रहा, कोई कहीं नहीं इसके अंदर कुछ भी यार। फिर फिटिंग प्रवीर सिंह ने की थी है ना? फिटिंग नहीं की थी प्रवीर सिंह ने। आजा मैटिंग लगाई है और नीचे जीएफएक्स के मैट, पीछे चलेंगे ना। नहीं सीट कवर तो दिखाओ। हाँ तो दिखाऊंगा ना, पीछे कैसे जाना है? सीट कवर कस्टमाइज किए पूरे जी, और सेम आज जो नया पैटर्न जो कल वाली गाड़ी में डाला था जी, ये क्विल्ट का पैटर्न है। यहाँ पर स्टैंडिंग रूलिंग की हुई है पूरी, है इस बार कुशनिंग नहीं डाली यहाँ पे। क्या कुशनिंग बड़ी कम डाली है, की करी यार इन्हें। ए बदमाशिया ना करो। अरे फोन आ रहा था ना यार, बोला भाई का मेरे कोल्ड, ओ क्विल्ट बड़ी कम डाली हुई है इस बार। इसमें क्विल्ट यहाँ की हुई है ना, यहाँ पे क्विल्ट नहीं यार, स्टैंडिंग रूलिंग, स्टैंडिंग पैडिंग की है वो कम। हाँ पैडिंग, हाँ पैडिंग इसमें नॉर्मली रखी हुई है क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं। अच्छा, सो इसीलिए जो बोलता है एक्स्ट्रा उसमें कर देते हैं। अच्छा, हेडरेस्ट यार मैं देख रहा हूँ यार, कुशनिंग बड़ी डाली हुई है तुमने। ऐसे ही है यार, अब ठीक है, कुशन कम है इसमें, हमने नॉर्मल पैडिंग में किया हुआ ही है क्योंकि कपड़ा जो है कपड़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा हार्ड कपड़ा है अभी। ओके, इसलिए उसमें पैडिंग करूंगा तो वो ऊपर आ जाएगा रिवर्स में। यार एक बंदे का कमेंट आया था, कह रहा है ये नापा नहीं होता, नापा कुछ और होता है। नापा कमेंट किया, मैंने तो बोला था पिछली वीडियो में। अच्छा आपने कहा था सिल्क फैब्रिक होता है कुछ, ये सोफा लेमिनेशन टाइप में बोलते हैं। ओके, सिल्क नापा जो होता है वो, नापा जो होता है बेसिकली वो बछड़े का खाल होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो छोड़ो कोई बात नहीं, ये आर्टिफिशियल लेदर होता है जी। तो हमें तो अच्छा लग रहा है, यही बेस्ट है यार हमारे लिए। तो देख लो सीट कवर में कोई ना कोई रिंकल आ रहा, ना कोई कुछ आ रहा, ये क्या आ रहा है? ये कुछ नहीं, बैठने पे होता है ना 19-20। चलो भाई ठीक है, और यहाँ पे आप क्विल्ट का निशान देख सकते हो। हाँ ये क्विल्टिंग कर दी बिल्कुल, स्टैंडिंग रूलिंग कर दी, साइड के पैटर्न बना दिए, और स्टिचिंग में भी देखो भाई कोई 19-20 नहीं है बिल्कुल भी, सीधा सीधा एकदम बेस्ट जी। पीछे आ जाओ, जैसे स्टार्ट करी है वैसे एंड हो रही है, ये नहीं भाई स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ हो रही है। पॉकेट बना दिए जी, पीछे शील्ड, हाँ लग्जरी, नीचे फ्लोरिंग करी है। ओके, और ये ट्रे मैट्स वाले हैं इसके। ओके ठीक है, 00 फिटिंग, हाँ स्नैक फिटिंग बोलते हैं उसको। ओके, जादू निकल रहा है इसके पीछे से, ये फिर है ना सारे प्रदीप देखा हमने। ये पीछे की सीटें बना दी, रियर हेडरेस्ट से जाते वो लगा दिए। ओके, पीछे की ट्रे लगाई है अंदर। ओके, वो भी बेस्ट है जी जी बिल्कुल, बस यही किया गाड़ी पे काम हो गया, काम खत्म हो गया। अपना पीछे वो नहीं करते ना आर्मरेस्ट है, पीछे आर्मरेस्ट नहीं लगाते? नहीं नहीं, अरे थाई सपोर्ट, पीछे की थाई सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। अभी वीडियो चल रही है, पीछे थाई सपोर्ट भी लगा सकते हैं, हैं पीछे थाई सपोर्ट भी कर सकते हैं।
अच्छा हाँ। तो जरूरत क्या है, पीछे थाई सपोर्ट कर दोगे तो वैसे भी बंदे ढंग से नहीं बैठ सकते हैं इसमें, तीन तो थाई सपोर्ट कर दिया तो और सीट खत्म खत्म और क्या डेड हुए। ये क्या हुए आज? ओ आजकल साडा बर्गर वाला नहीं आ रहा ना, लग नहीं रहा कुछ इधर। अरे वाह, आए थे भाई, मुंडिया ने सेट करके देता है, मेरी गड्डी से कर लेंगे उन्होंने चुड़ैल कहीं का। चलो चलो ठीक है, हो गया काम खत्म यहाँ पर अपना, बेस्ट हो गया काम। और कितने रुपए में सीट कवर तैयार हो जाते हैं अपने? 7,500 से स्टार्ट है। ओके, ऐसे फिटिंग वाले भी 7,500 में स्टार्ट है। अच्छा, ऐसे वाले भी? ऐसे वाले पिछली बने 12,500 के आएंगे। ये 12,500 के हैं, बट अगर सेमी बकेट में चाहिए तो 7,500 में सेम डिजाइन दे सकता हूँ मैं। और कोई नरातों में वो है डिस्काउंट कुछ? नहीं नहीं यार, नरातों में गाड़ियों की बुकिंग इतनी है, स्टॉक मिल नहीं रहा। अच्छा, पहली बुकिंग होगी और जो सबकी ऑलरेडी हर डेज वाइज बुकिंग है। अच्छा, अब कल आज की गाड़ियों की 5 बुकिंग थी, कल से फिर स्टार्ट हो जाएगा, कल की डिलीवरी है 2 गाड़ियों की। ओके, सो रोज बनेंगी वीडियो, दो तीन तीन अपनी। ओह स्मार्टी बॉय प्रविधा, चैनल चालू। चलो जी आओ, चला जा बाहर। ओके, है की कर रहे हो बीच बीच में? लगी ना हम तो, अब वो कस्टमर आ गए ना। ये क्या कर रही है, फ्रेम लगा रही है? मैं उधर आया तो ऐसे साफ ही फ्रेम है ना, ये वो लगा रहा है। चलो भाई, लगे हुए नहीं थे इसमें। अच्छा, खुला नहीं क्या सोने की? हाँ हाँ, सामने ही रहे हैं, क्या बुलाना है यार। देवेंद्र ये कुले में घिसता जा रहा है यार, क्या नोटी बॉय। दे दो माइक, मर्जी तो हटी है, इधर आ जाओ गाड़ी की तरफ। है सवाल नहीं पूछना ऐसे को ले कह रहे भाई, कह रहे सवाल नहीं पूछना मेनू, जनता और खड़ी पीछे उन्हें। और कोई नहीं, सारी जनता ने बुला के। पंजाब की है? है पंजाब की जनता? नहीं नहीं, ये दिल्ली से नहीं है, बाहर से है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो पंजाबी तो बाहर ही है पागल। हाँ हाँ कोई नहीं, माइक लगा था। ये कह रहा है वैसे क्वेश्चन नहीं पूछने, सारे क्वेश्चन इसी से पूछे। हां सही, बीच में आओ फिर, आओ खाली आ जाओ, बीच का आओ। बड़ी गाड़ी साफ करो ये मेरे से, जब से आए तो से ये साफ कर दो, वो साफ कर दो, सारी लाइटों में दिखाया इसने आज, किसको मेरे को बुलाना है? आ जाओ, फोन के फोन फंस गया, जा फोन पकड़ा गया। ऐसे कोई नाम पूछ सकते हो पहले अंदर? हां जी, क्या हालचाल? बस बढ़िया। सुशील अंकल जी उधर पंगा पड़ जाना, इधर क्यों बात है? जंडियाला गुरु। चलो ठीक है, आप इनको मिले कैसे हो? ये हम प्रभी सिंह की वीडियो से, प्रभी सिंह की वीडियो। और आप? ये आपको कैसे मिले? ये आपको कैसे मिले? देखो दूर की बोल रहा है। ठीक है जी, और गाड़ी में काम कैसा लगा? सुपर डुपर, मजा आ गया, पूरा मजा आ गया। सेटिस्फाइड पूरे? कोई दिक्कत परेशानी आई हो कहीं? यहाँ आके तो भाजी के पास कोई आई नहीं दिक्कत। ठीक है, कोई दिक्कत। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा आ गया। हाँ, देख के गड्डी एकदम मजा आ गया कि पता चल रहा पे वकी तैयार कितनी गड्डी, मजा आ गया। फुल सेटिस्फाइड? पूरा पूरा, कोई दिक्कत परेशानी? ना ना कोई दिक्कत परेशानी। देख लो अगर आ गई हो। ना ना, बहुत सोना इन्होंने काम किया, देख के नहीं खुश हो गए, पूरा रूह खुश हो गई साड़ी। जी जी, यही चीज़ आ गए, असं होर 10 जन दसागे, वो भी देख के आन के भी कई काम किया। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर काम है इन्होंने, टॉप वधिया। हाँ जी ठीक है, एक छोटी सी रेटिंग बता दो, 5 में से कितनी देना चाहोगे? 5 में से सर फुल 5 ही। पूरे 5? पूरे 5। तुसी? पूरे पूरे। और आप कितना देना चाहोगे? मैं 5 में से 10 देना चाहूँगा। 10 पूरे पूरे। कोई दिक्कत तो नहीं आई?
भाई बोला उल्टा सीधा भैया ने, इनको तो प्यार ही बहुत किया है, खाने पीने की कोई तंगी नहीं, इसकी सेवा अच्छी हुई है, बहुत अच्छा नेचर भैया का, बहुत अच्छा वेलकम किया हमारा, ओके बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी ठीक है। तो तुसी जा किधर रहे हो? हां जी बैठे सी, बैठे, तारीफ हो रही थी थोड़ी थोड़ी। अरे मैं पंखा लेने गया था, बच्चे ने प्यार ही बड़ा किया तुसी, पागल ने पैटी मेरी खराब कर दी थी, दो मंगा के खाया ने पैटी, फिर कहने फंटा नहीं पीऊंगा, फंटा में लगी तो कह रहे वो भी के सारी, फिर ने ऐसे 2 लीटर की मंगाई मैं, ये देखा प्रूफ हो गया भी सेवा की थी, जी जी कह रहे चाय की थी, ओके और बताओ अच्छे कोई काम च कमी पेशी नहीं लगी कोई, ठीक है बिल्कुल, जो सानू चाहिदा उस तो 10% एक्स्ट्रा ही दिता इन्होंने, वधिया काम करके, ठीक है ते जो अगर कोई काम करवाना चाहता भी है तो मैं भी कहांगा कि एवं फालतू की इधर उधर वेख के कोई परेशान होने की कोई लोड़ ही नहीं है, सीधा इन को सीधा वीडियो देखो कॉन्टैक्ट करो तो आ जाओ। अच्छा हाँ ठीक है, एक और सवाल पूछ लेते हैं जी सर, आपने जो इसके अंदर मनी एक्सपेंड करी है वर्थ लगा पूरा? हाँ बिल्कुल, कहीं तो नहीं लगा पैसा ज़्यादा दे दिया काम कम कर दिया? नहीं पैसा कुछ ज़्यादा नहीं है पाजी का, दूसरों के हिसाब से पैसा भी बिल्कुल ठीक है, जो जो काम दिख रहा है उसके हिसाब से पैसा वर्थ लगा पूरा। हाँ पूरा पूरा कोई दिक्कत पाजी, वर्थ है पूरा, हाँ, कोई परेशानी नहीं, कहीं आपको लगाओ हाँ भी मैं पैसे तो ज़्यादा दे दिए तो काम तो करके नहीं दिया उस, नहीं नहीं कुछ नहीं लग्या, सानू वधिया काम दिता, पैसे भी जैनुअन लाए साढ़े को, कोई ये नहीं भी ज़्यादा पैसे ले आ, बिल्कुल जैनुअन पैसे, काम भी अच्छा, ओके हाँ जी ठीक है, करें फिर एंडिंग वीडियो, एंडिंग कर रहे हो बढ़िया, और क्या सारा फीडबैक मिल गया, काम हो गया सब बेस्ट हो गया, मैं वही पूछ रहा हूँ, पैसे तो ले लिए इन्होंने काम करा भी, पैसे तो मैंने कल ही ले लिए थे सारे, अच्छा कल ही नहीं कल ही ले लिए पैसे, कोई पैसा नहीं देना आज, अच्छा जी छुट्टी, चलो जी करें फिर एंडिंग, पसीने पसीने आ गए यार, मेहनत की ना सर फिर पूरी बड़ी मेहनत की, बड़े पसीने आ गए मेरी, वही पैटी भी नहीं खाई, बंद के दबंगा तेन पैटी, पैकिंग कर दियो, पैकिंग में लेके पैकिंग, ठीक है आपने तो पहले कहा था मेरी करो यार एंडिंग बड़ी हो गई, चलो ठीक है ना, अच्छा ठीक है भाई ओके, करो फिर एड्रेस, एड्रेस मेरा A225 करमपुरा, और करमपुरा पड़ता दिल्ली में, कार्लिवा सेम पूजा हाउस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, लाइटें लुटे लगवा दी तूने अभी, है बढ़िया है, सफेदी करवा दी नीले रंग की, नीला थोड़ी है ग्रे है, चल जैसे तूने बताया था वैसे कर दिया, ठीक है कॉन्टैक्ट नंबर बता दो एक बार, 9811632352 9911632352 एक बार रिपीट कर दो, 9911632352 ओके, करें फिर एंडिंग भैया, कोई मन में बात आ रही हो हाँ भी ये बतानी थी एंड के अंदर सब कुछ कर देंगे, कुछ एक बार मन में बात है एक, हाँ बताइए, दोबारा फिर इन्हीं के पास आना है, अच्छा ये बात है ठीक है, और जब भी हमने दरबार जब भी नई गाड़ी लेंगे एक और फिर दोबारा दोबारा पाजी के पास ही आना, पास ही आएंगे, अगर और भी कोई लेगा तो एड्रेस इधर का, चाहे हमें साथ क्यों ना पड़े, किधर आ जाइए ना, किधर बेस इधर आ जाएगा ना, कोई नहीं इधर ही आ जाते हैं, इधर आ रहा, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ओके टिल देन बाय, चंगा जी।